तो ये देखिए गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं चीचम ब्रिज में। ओ भाई बहुत ही ज्यादा हाइट है इसकी, बहुत ही ज्यादा। चल ये देखिए गया पत्थर। ओ भाई, सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डीकेआर व्लॉग्स। तो अभी हम लोग चल पड़े हैं कॉमिक विलेज से इक्किम की तरफ। तो आज हमारा प्लान है चीचम ब्रिज जाने का, और उसके बाद देखते हैं लोसर, और उसके बाद देखते हैं क्या क्या होगा। बाकी बंदे अपने वही रेडी है। कुकू की तो आज थोड़ी सांस की प्रॉब्लम हो गई थी, तो रात को सर दर्द बहुत हुआ है। और अभी सामने देखिए बारिश हो रही है यहाँ पर कॉमिक में, तो चलते हैं नीचे। काजा वगैरह में तो ज़्यादा बारिश हो रही होगी शायद, तो देखते हैं आज कैसा रहेगा प्रोग्राम, क्या रहेगा। और लगता है आज चंद्रताल पहुँचने का हमने सोचा था, लेकिन मुश्किल लगता है क्योंकि बारिश भी है, और वहाँ पर कैंप करना भी थोड़ा मुश्किल होगा आज। तो गाइस वो नीचे रहा इक्किम विलेज, वो देखिए यहाँ पर है दुनिया का सबसे हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित इक्किम डाकघर में आपका स्वागत है। तो ये यहाँ पर घर हैं, यहाँ पर भी 6-7 घर ही दिख रहे हैं मेरे को, और वहाँ नीचे जैसे उधर है हमारा हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, जो कि अभी बंद है क्योंकि हम सुबह 7 बजे निकला है ऊपर कॉमिक से। और वैसे भी हमें पोस्ट कार्ड तो भेजना नहीं है किसी को, तो अब निकल चलते हैं यहाँ से नीचे की तरफ। नीचे देखते हैं कहीं ब्रेकफास्ट वगैरह का क्या सीन रहेगा, और आज बारिश लगी है तो आज शायद हम ज़्यादा डिस्टेंस नहीं कवर कर पाएंगे। क्या है आईबैक्स? हिरन है ना? हिरन नहीं है भाई, कुछ और ही है। सर देखिए गाइस, पता नहीं कौन सा जानवर है, अभी इतना पता तो नहीं लग रहा है हमें यहाँ दूर से तो, लेकिन बहुत सारे हैं, घास चर रहे हैं बेचारे ऐसी ठंड में, बहुत ही क्यूट क्यूट है। चल रहे चल, देख गाड़ी में डालते हैं, ले जाते हैं घर। ये देखिए बहुत ही प्यारे प्यारे जानवर है, लेकिन पता नहीं है क्या, सींग भी है इनके। तो हम इन्हें देखने इतनी ऊपर आ गए थे, मैं और बॉबी भाई, और ये देखो वहां नीचे हमारी गाड़ी और बाइक लगी है। यहाँ तक पहुंचते पहुंचते इतना सा चढ़ने में यहाँ पे बुरे हाल हो जाते हैं, ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम रहता है इधर। तो चल पड़े आगे प्यारे प्यारे से जानवरों को देखने के बाद। और सामने का मौसम देखिए, आज बारिश है और सामने शायद कहीं ना कहीं तो स्नोफॉल भी हो रही होगी। ओहो, व्हाट इज दिस मैन, क्या सुंदर व्यू है, क्या खतरनाक रोड है। और अभी हम यहाँ से निकलेंगे की मोनेस्ट्री, फिर जाएंगे हम कीपर, कीपर से जाएंगे हम चीचम ब्रिज, और बीच में ब्रेकफास्ट भी करेंगे। तो यहाँ पर रुके थे हम फोटोशूट के लिए, देखिए कितना प्यारा रोड है। ये गई हमारी बाइक, और ऊपर इन पहाड़ों को देखिए कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल है ये पहाड़। और यहाँ पर लगी हुई है हमारी गाड़ी, और वो नीचे रही स्पीति रिवर, और ये पूरा काजा। तो गाइस बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, और कुकू तो बाहर ही नहीं आ रही है, बारिश लगी हुई है। तो चलो अब चलते हैं नीचे। तो ये हम लोग आ चुके हैं मेन रोड में, गाड़ी देखना पीछे जान दो। तो ये निकलते हैं अब आगे की तरफ। तो गाइस ये देखिए सामने आ चुका है पुल, और अगर हम सीधा जाएंगे तो किब्बर की तरफ जाएंगे, और लेफ्ट साइड को जाएंगे तो ग्राम्फू, स्पीति रिवर, क्या क्या है ये, मतलब जाना तो लोसर ही है, चाहे लेफ्ट से जाएं या राइट से जाएं। तो हम लोग चलते हैं राइट वाले रोड पे, दोनों ही रोड आगे जा करके मिल जाएंगे लोसर में। तो हम यहाँ से जा रहे हैं। तो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं की मोनेस्ट्री, जो कि बिल्कुल पहाड़ के ऊपर है। हाँ।
ये रहा गेट, क्या ब्यूटीफुल है ना। इसके अंदर एंटर करेंगे। लकड़ियों का स्टॉक देख दो, कट। तो गाइस देखिए मौसम कुछ भयानक सा हो चुका है और यहाँ पर हमने ब्रेकफास्ट किया नोरियांग कैफे। ठीक ठीक था, मतलब कॉस्टली बहुत ज़्यादा है और क्वालिटी उतनी नहीं है, बेकार है। तो अब ऊपर मोनेस्ट्री में जाना था लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो फिर अब चलते हैं यहाँ से आगे किब्बर की तरफ। वो देखिए, वो रही मोनेस्ट्री पीछे और ये रही हमारी गाड़ी सारी धूल इसकी धुलती हुई। तो गाइस बारिश लग गई है बहुत ही ज़्यादा और बाइक में जो सामान था वो हमने डाल दिया है गाड़ी में और बाइक वालों को वाटरप्रूफ जैकेट पहना करके भेज दिया है और हम लोग चले हुए हैं अब चिचम ब्रिज की तरफ। तो गाइस ये यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, किब्बर ऊपर की तरफ है 3 किलोमीटर, गोते 10 किलोमीटर और टाशी गांग है यहाँ से 16 किलोमीटर। तो अभी हम लोग जाएंगे सीधा चिचम की तरफ क्योंकि अभी ऊपर जाकर के क्या करेंगे, बारिश लगी हुई बहुत ज़्यादा देखिए और वहाँ पर सिर्फ विलेज है, तो हमें अब अपनी डेस्टिनेशन में पहुँचना है। तो ये स्ट्रेट जाएंगे हम चिचम ब्रिज से होते हुए और लोसर पहुँच जाएंगे। देखिए कितना कीचड़ कीचड़ हो गया है रास्ते में, बहुत ही ज्यादा। तो गाइस ये हम लोग पहुंच गए हैं चिचम ब्रिज में, ये देखिए सामने, वाओ क्या एडवेंचरस जगह है भाई साहब। ओ भी नीचे देखिए, इसमें तो नीचे तो कुछ भी नहीं, फिर स्पोर्ट्स कार, एक समय में एक ही वाहन पार करे, सपोर्ट नहीं है क्योंकि इसमें रस्से लगे हैं ऊपर, रस्सी वाला है ये चिचम ब्रिज। तो ये देखिए गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं चिचम ब्रिज में और ये खड़ी हमारी गाड़ी। तो गाइस मैंने इतनी सारी वीडियोस देखी है लेकिन ये जो नीचे नदी है ये इतनी दूर है कि मतलब वीडियो में आप इसको फील ही नहीं कर सकते कितनी नीचे है ये नदी। ओ भाई डर लग रहा है जाने में, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा हाइट है इसकी, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ से बंदा गिरेगा तो कितने मिनट, तो कितने नहीं, कम से कम कितने सेकंड लगेंगे उसको नीचे जाने में। और वो देखिए वहाँ से आ रही है ये रिवर, बहुत ही खतरनाक लग रही है। ये देखिए इन पहाड़ियों को ऐसे ऐसे कटी हुई है ये इस तरह से बीच बीच से। ये क्यों कितनी देर लग दी एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो हर कोई यहाँ तेज है भाई। और लेंस में गिर गया पानी, बारिश लगी है कंटिन्यू, सेंटर नहीं आ गया, सेंटर तो बड़ी अग्गे और करते तो इतनी धमाका। चल ये देखिए गया पत्थर, ओ भाई ओ भाई, ओ यार भाई कैमरा में इतना पतन लगे पर। वो देखिए वो गया पत्थर, वो देखिए वो अभी अभी अब जाके गिरा, एक और गया अभी चला है ये गिरा। ओ हो, तो गाइस देखिए इन पहाड़ों को। तो अगर अगर स्पीति आते हैं तो इस जगह में जरूर आए, चाहे बाकी जगह आपसे स्किप हो जाए। चिचम ब्रिज बहुत ही मस्त जगह है, बहुत ही ज़्यादा मस्त। और एक हमें ग्यू विलेज वो बहुत ज़्यादा पसंद आया जहाँ पर मम्मी है। और इन पहाड़ों को देखो आप, बहुत ही खतरनाक। तो ये हम क्रॉस कर रहे हैं चिचम ब्रिज। तो देखिए गाइस एक पॉइंट पर हम रुके हैं अभी, बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ से, बहुत ही ज्यादा सुंदर। और वो नीचे स्पीति रिवर और वो दूसरा रोड जा रहा है वहां से जो कि लोसर के लिए जाता है, हम चिचम वाले रोड से आए हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल, ये देखिए क्या फॉग जमी हुई है और रोड कितना प्यारा लग रहा है, अल्टीमेट। सो गाइस ये देखिए, वाओ क्या है ये, व्हाट इज दिस। तो एक्चुअली इसके ऊपर देखिए ये एक पत्थर टाइप है मतलब, और उसके ऊपर पानी गिरता है और उसके अंदर पानी नहीं जाता है तो साइड से पानी जाता है, इसलिए साइड की पूरी दीवारें धुल चुकी है सारी मिट्टी। और उसके नीचे जहाँ बारिश कम गिरती है वो वाला एरिया ऐसे बन गया है। और उधर भी देखिए जो ये ऊपर मिट्टी जो है वो टाइट है,
इसके ऊपर पानी नहीं गिरता है ज़्यादा, तो पूरा पहाड़ ऐसे कटा हुआ है। वैसे दूसरी तरफ बहुत सारे थे, लेकिन अभी हमें उधर जाना पड़ेगा देखने के लिए, तो अभी नहीं जा रहे हैं। ये देखिए क्या खूबसूरत है, और उन पहाड़ियों में पूरा ऐसा ही है। अगर यहाँ पर अगर बारिश हमारे धर्मशाला की तरह बारिश होगी तो ये पूरे पहाड़ ख़त्म हो जाएंगे, पूरे पूरे पहाड़, क्योंकि यहाँ बारिश ऐसे होती है जैसे मतलब थोड़ी थोड़ी बहुत ही कम बारिश। और ये देखिए नीचे रिवर, इस रिवर में जितना भी रेत मिट्टी पत्थर है ये सारा का सारा इन पहाड़ियों से ऊपर से गिर गिर के नीचे आता है। ये हवा से गिरता है, बर्फ़ पड़ती है तो उससे गिरता है, और बाकी बारिश से, बारिश तो बहुत कम होती है वैसे, लेकिन ये देखिए यहाँ से कोई दो रिवर आ रही है, एक ये रिवर आ रही है, एक ये रिवर है, आगे ये स्पीति रिवर बनती है, शायद ये भी स्पीति होगी, और ये वाली पता नहीं कौन सी है, लेकिन अभी टच हो रही है। और ये देखिए आज का मौसम, और ये खड़ी हमारी गाड़ी। वाह, अल्टीमेट ऐसा लग रहा है जैसे कि कहीं कहीं इतनी पतली है ना, ऐसा लग रहा है जैसे किसी मिस्त्री ने इनको बनाया है तोड़ तोड़ के, लेकिन यहाँ नेचर ही मिस्त्री है भाई। गाइस अब हम पहुंच चुके हैं कयोटा विलेज में, ये देखिए ये है कयोटा विलेज। हम रुकना तो चाहते हैं लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा है, रुकेंगे नहीं क्योंकि बाइक वालों को फिर और ज़्यादा ठंड लग जाएगी, तो इसीलिए सीधा ही चलते हैं आगे। कौन से विलेज में मैं भूल जाती हूँ बार बार, लोस्टर में, वहीं जाके रुकते हैं, वहीं रूम लेंगे, वहीं फिर आराम करेंगे। तो फिर चलो चलते हैं। सामने धूप की किरणें दिखती हुई, और ये धूप की नहीं है, हमारी उम्मीद की किरणें हैं, और हमारी होप बढ़ती हुई चंद्रताल जाने के लिए। देखिए गाइस ऊपर पहाड़ियां कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, और अभी लोसर है यहाँ से 1 किलोमीटर, तो बहुत ही सुंदर व्यू है, और कुंजुम पास की तरफ हमें धूप भी दिख रही है, तो देखते हैं जाकर के परमिशन लेने की कोशिश करते हैं क्या होता है। तो गाइस हमें मिल चुकी है परमिशन चंद्रताल जाने की, तो काफी ज्यादा खुशी हो रही है, और अब हम निकल चुके हैं यहाँ से लोसर से चंद्रताल के लिए। तो अभी इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और अब आप लोगों को चंद्रताल तक का जो सफर है वो मिलेगा देखने को नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।